जनवरी 1977 को मुल्क के दूसरे आम इंतखाबात हुए। हिजबे इख्तलाफ ने धांधली का इल्जाम लगाकर नतीज मुस्तरद कर दिए। तनोतेज एहतियाती तहरीक शुरू कर दी गई, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो पुरेतमाद थे। जिल्लत की जिंदगी ये शख्स नहीं रहेगा, जिल्लत की मौत ये शख्स कबूल नहीं करेगा। मंजूर है आपको, बिल्कुल मंजूर है, आपकी इजाजत है। शुक्र है अल्लाह का। तवील और पुरतशद्दुद एहतियाती तहरीक के बाद हुकूमत और हिजबे इख्तलाफ मुज़ाकरात पर आमादा हुए और एक मुहादे पर मुत्तफिक हो गए। लेकिन इत्तेहाद ने यह बात तय नहीं की, उनसे मंजूर नहीं किया, बल्कि इत्तेहाद ने यही तय किया कि हम भुट्टो साहब के साथ वायदा कर लें। इसी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस में मरकजी काबीने का इजलास हो रहा था और वहां भी यही बात तय की गई कि वायदे पर दस्तखत कर दिए जाए और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद से वायदा कर लिया जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब में माशाल्लाह लगा दिया गया। अगर माशाल्लाह नहीं लगता तो 5 जुलाई को माहदे पर दस्तखत हो जाते और मुल्क को तमीर तरीन माशाल्लाह देखना नहीं पड़ता। लेकिन इसके ऐलान से पहले ही हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आईन को मनसूख नहीं किया गया, इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। अयूब खान के माशाल्लाह में जमहूरी कदरों पर पहली जर्ब लगाई गई, लेकिन ज्यादा माशाल्लाह था जिसमें इदारों की टूट फूट हुई, माशरे में फिरकावारियत फैली, लेसानी तासुबात ने जन्म लिया और मंशियात और असलहे की रेल पेल हुई। जनरल ज़िया ने कौम से वादा किया था कि वो ऐसा निजाम देकर जाएंगे कि आइंदा मुल्क में कभी माशाल्लाह ना लगेगा, लेकिन अमलन इसके बरक्स हुआ और जमहूरियत की बुनियाद कमजोर हो गई। इकरार अनवर, आज न्यूज, कराची।